वो चाहे चाहे किसी भी प्रकार के बच्चे हो, वो चाहे कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे हो या चाइल्ड एंडेंडर प्रोटेक्शन के बच्चे हैं, दोनों तरीके के बच्चे का अगर चाइल्डलाइन पे कोई काम करता है, चाइल्डलाइन को तत्काल सहायता पहुंचाती है। जिस प्रकार की बच्चों को सहायता कर सकता है उस प्रकार की सहायता बच्चों को चाइल्डलाइन देती है। कोई एग्जाम्पल तौर पर आप लोग भी देख लें कि कोई गुमशुदा या लावारिस बच्चा मिल गया तो हमें सबसे पहले उसको प्राथमिकता है कि उसको मेडिकल ले जाए, हम किसी को दे नहीं सकते। इस पर हर मीटिंग में मैं बताता हूँ, इसके बावजूद भी बच्चे को मेडिकल सहायता नहीं मिलती। कभी कभी मैं कभी कभी इसलिए जोड़ा 100% नहीं है, कभी कभी होता है लोगों को, गांव के लोगों को देते हैं, नवजात शिशु है एक दिन का है, तो हमें किसी को देना नहीं मैडम। उसको सबसे पहले उसको मेडिकल सुविधाएं प्रोवाइड करानी, संबंधित जो नजदीक में चिकित्सालय है या प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, कोशिश करें गवर्नमेंट अगर है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इसको तुरंत एडमिट कर। अच्छा, आप SGU प्रभारी को आप सूचना दे सकते हैं, ये संबंधित जिला प्रशासन को, हमको, 1098 को, मतलब ये सब सहयोगी संस्थाएं, आप इनको देंगे तो ऑटोमेटिक जो प्रशासन है व्यक्ति हो जाएगा, उसमें काम करेगा। तो सबसे पहले नवजात शिशु के साथ सबसे बड़ी समस्या होती लोगों को, जो जिसको मिलता है नवजात शिशु सबसे पहले, तो वो उनके अंदर एक